अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ भी खैरियत से, आप देख रहे हैं शायद इकबाल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी खैरियत से। दोस्तों, काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। नए वज़ीर आज़म मारियो द्रागी साहब जो कि एक अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, और इमिग्रेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो उनके काफ़ी अच्छे फैसले उन्होंने किए हैं। काफ़ी सारे ऐसे सवाल आपके आए हैं जिनका नाम के साथ कमेंट्स आपने किए हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप आपको इसका जवाब देंगे कि आपने किस किस स्टेट से अप्लाई किया और इस स्टेट से आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कुछ लोग यहाँ पर ऐसा ऐसा कमेंट्स करते हैं कि आपकी गाइड हमारे लिए काबिल जिक्र नहीं है और आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बेशक आप भी हमारी वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर इतना टाइम कोई निकाल के अगर आपको एक एक कमेंट का एक एक नाम के साथ कोई रिप्लाई देते हैं तो बेशक उसकी वीडियो देख रहे हैं, हमें ऐसे नहीं कर रहे। हम जस्ट आपके साथ एक इलम शेयर कर रहे हैं, जो हमें मालूम हो रहा है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और यार देखिए ना, एक एक नाम का रिप्लाई करना ये बड़े मायने रखता है और बड़ा टाइम लगता है एक एक स्टेट का मालूम करके आपके साथ शेयर करना। ठीक है, कमेंट्स में इतना रिप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए वीडियोज़ बना देते हैं तो सबको जो है आसानी से जवाब मिल जाए। ठीक है, तो एहसान जी साहब हैं जी, ये इन्होंने स्टेट का नाम तो नहीं लिखा, बहरहाल अगर इन्होंने मिलान या नेपाली या बल्गारिया स्टेट है तो इनके फरवरी के आखिर तक चांस हैं। इस तरह मोरो वाली स्टेट 29/2020, तो इसके जो चांसेस हैं वो 70% है। ठीक है जी, सिकंदर रियाज साहब बलगोना, बलगोना की अच्छी खासी अपडेट मसूल रहे हैं, काफ़ी लोगों के वीज़ा निकले भी हैं और आपकी भी इंशाल्लाह जो है बलगोना से वीज़ा निकल आएगा। इसके बाद रॉयल आर्मी भाई कह रहे हैं सर जी कंपनी कस्ट्रीडा कब तक निकलेगा। ठीक है, तो भाई इसकी अभी तक कोई मालूमात नहीं आई, जैसी इस बारे में मालूमात आएगी फर्दर शेयर करेंगे। ठीक होगा, इसके बाद अमाद जिया साहब है अनकोना नॉन सीजनल का बताना, अनकोना नॉन सीजनल जनाब 50% चांस कह रहे हैं, कोई अभी इसकी अपडेट्स नहीं आई लेकिन जहाँ तक हमें मालूमात नहीं है 50% है। एक हिंदी लैंग्वेज में भाई का नेम है, हमें नहीं समझ आ रहा, बार स्टेट जो है वेंजिया जैसेलो वेंजिया कब तक निकलेगा इस स्टेट का, तो भाई इस स्टेट के अभी तक कोई मालूमात ही नहीं है कि इसका क्या बनेगा। सही है, ज़्यादातर जो ट्रेंडिंग में बल्गारिया है, नेपाली है, उसके साथ वेंजिया है। ठीक है, ये ट्रेंडिंग में है कि सबसे ज़्यादा इनके निकले, मिलान है इस तरह। ठीक है, और फलासी सिस्कुर की कोई अपडेट सर? कोई अपडेट्स नहीं। कुमाल साधु साहब, चाचू फरूक साहब, हम आपको पहले भी जवाब दे चुके हैं, माजरत, आप हर वीडियोज़ में बार बार कमेंट्स करते हैं और एक ही बात बार बार दोहराते हैं, नई बात करेंगे तो रिप्लाई मिलेगा। चौधरी सगलैन साहब, भाईजान मेरा पेपर नॉन सीजनल 9:03 पर जमा हुआ, क्या चांसेस हैं? तो भाई आपने यहाँ पे स्टेट नहीं डाली, बहरहाल अगर आपने नेपाली या बल्गारिया या बलगोना से हैं तो इंशाल्लाह अच्छे खासे चांस हैं, फरवरी के आखिर तक आपको अपडेट्स मिल जाएंगी। इसके बाद महमूद जॉनी सिंह साहब हैं नॉन सीजनल कंस्ट्रक्शन वीज़ा वन टाइम गिविंग द नालोस्ता बैलूना सिटी पर, तो भाई इंशाल्लाह नॉन सीजनल कंस्ट्रक्शन वीज़ा आप बैलूना सिटी, बैलूना सिटी की भी अच्छी अपडेट है, ये भी ट्रेनिंग में है, इससे भी काफ़ी सारे लोगों के वीज़ा मिसाल इशूज़ हो रहे हैं। ठीक है, मिलान सिटी तक कोई रिपोर्ट है? जी मिलान सिटी मियाँ जट साहब अच्छी रिपोर्ट है, फरवरी के आखिर तक काफ़ी सारे लोगों के मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद ये भाई पूछते हैं एयर अरेबिया, तो एयर अरेबिया पर जनाब अबू धाबी बेहतर है कि एयर ब्लू PIA या इंडिया से हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस पे आप जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपका जो वीज़ा स्टेटस है एक्टिव होना चाहिए। बिलाल मुनीर भट्ट साहब, भाई आपके पास जब कोई बारी सिटी से अपडेट आए वीज़े की तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो में बताएं। तो बारी स्टेट की अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है, इसके 45 या 40 तक चांस हैं, कैसी जैसी अपडेट आएगी फर्दर अपडेट करेंगे। विभू अमार साहब, ठीक है जी बाजी, नेक्स्ट वीडियो दे विच प्लीज़ दसो दे टोरंटो द इटली का पेपर निकलना शुरू होया है कि नहीं। मैं 27 अक्टूबर 9:12 फिल किया है, तो दसो टोरंटो एक ज़बरदस्त सूबा है इटली का, वहाँ पे अच्छे खासे चांस हैं क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे एग्रीकल्चर का निज़ाम होता है, तो उम्मीद की जाती है कि फरवरी के आखिर तक आपको अपडेट मिल जाएगी। विक्रम सिंह साहब, आपको हम पहले अपडेट दे चुके हैं। रामदीप साहब, थैंक वेरी मच। इसके बाद
आशाश वर्मा भाई, मैं इंडिया से हूँ नेपाली, तो नेपाली का अच्छे खासे पहचान से नेपाली बलगोना इसके साथ, और मानी हो गया उसके साथ, दूसरे जो भी सिटीज़ मुतलका हैं वो अच्छी रिपोर्ट्स उनसे वसूल हो रही हैं और निकलेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, फर्दर आपको नाम के साथ रिप्लाई कीजिएगा। इसके साथ ही बताते चलें दोस्तों के इटली के जो नए वज़ीर आज़म हैं मारियो द्रागी, एक अच्छे डिसीजन ले रहे हैं और इन्होंने 200 यूरो जो है 200 यूरो मिलियन की जो अमाउंट्स है वो इटली में तकसीम कर दी। इससे पहले जो जीपी कौनते भी ये काम कर चुके हैं, और दूसरी जो मुतलका पार्टियां हैं वो इस बात पर हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इससे ये होगा कि इमिग्रेशन को भी आसानी होगी, मज़ीद जो बेरोज़गारी में कमी आएगी और मज़ीद पैसा होगा तो ये काम कर सकेंगे तमाम जितनी भी अदारे हैं। तो जोज़ीपे कौंते के बाद एक अच्छे वज़ीर आज़म साबित हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनलीगल को भी लीगल करने किया जाए, जैसी क्राइम है जैसी भी हैं वो उन्हें अगर हम जब लीगल कर देंगे तो वो तमाम तर ये काम छोड़ देंगे। तो ये एक अच्छे फैसले हैं इस मारियो द्रागी साहब की तरफ से। देखें अब आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या अपडेट्स आती हैं, फर्दर आपके साथ अपडेट करेंगे। न्यू इमिग्रेशन फलोसफी आपने अप्लाई की है तो उसकी भी चांस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी इंशाल्लाह ओपन होने वाली है, उसकी भी अपडेट्स आपको फर्दर इन चैनल पर मिलेगी। इसके साथ ही महमूद ट्रेवल डॉट कॉम की वेबसाइट को दोस्तों ज़रूर विजिट करें, अच्छी खासी अपडेट भी उस पर भी आती रहती है। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।